तो नमस्कार मिस्टर चिंटू जी। अरे क्या मिस्टर और क्या जी। तो नमस्कार चिंटू। चिंटू भैया बोलिए पहले तो। क्या बोले? चिंटू भैया। तो नमस्कार चिंटू भैया जी, बोलिए। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आप लोग ये काम इतना आसानी से कैसे कर लेते हैं? मतलब हम लोग तो अगर ये सब सोचें भी तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाए। हम लोग कुछ चोरी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी की लूट मार कर सकते हैं, लेकिन ये सब में तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। तो मतलब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए पहला प्रश्न, तो बताइए। देखिए, तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बार हमारा कोई इंटरव्यू ले रहा है तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छी तरह सुनिएगा। सबसे पहले तो इसमें एक ट्रिक होती है। इसमें एक ट्रिक ये होती है कि एक ही जगह पे अपना बार बार काम नहीं करना। अब जैसे निर्भया दिल्ली, अब हैदराबाद, और बीच में काफ़ी केसेस थे जिसमें हम सोचते हैं कि एक जगह पे रहना ही नहीं। उससे क्या होता है, आप लोग जैसे YouTube पे वीडियो बनाते हैं ना, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हर राज्य में हर जगह आप लोग फेमस हो, क्यों नहीं हो। तो हम भी इसी तरह चाहते हैं कि हम एक जगह रुके ना रहें। एक जगह रुके रहेंगे तो क्या होगा, शक का पारा जो बहुत बढ़ जाए। हम नहीं चाहते कि वो शक का पारा काफ़ी बढ़े। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि बस अब समझ जाइए, मैं आपको पूरा राज नहीं बता सकता, बस अलग अलग जगह काम करिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कुछ, कि मतलब आप लोगों को डर नहीं लगता? डर लगता है? कितना डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, या मतलब 100%, 50%, 25%, 75%, कुछ तो डर लगता होगा यार। मतलब यहाँ एक तो अपने डर जनता जानना चाहती है, बताओ थोड़ा सा आइडिया। बिल्कुल, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा आइडिया प्लीज। डर तो मैं घंटा लगता है। अरे क्या बताएं भैया, डर की क्या बात है इसमें। हम जो काम करते हैं भैया, उसमें होता क्या है कि 2-3 घंटे बाद तो खबर फैलती है, ठीक है। फिर अब ये लोग क्या करते हैं भाई, CCTV, वो CCTV। अरे भैया, CCTV से डर पड़ा है हमें? खुले हम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, दिक्कत है क्या कोई? तो चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत दर्दनाक किस्सा कल एक हैदराबाद में हुआ, तो अब लोग क्या करेंगे, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे और फलाना धमकाना बहुत कुछ करेंगे। लोगों का गुस्सा उबल रहा है, मतलब आप लोग के खिलाफ। आप लोग को डर भी लगा होगा, जिस क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी मुझे दे चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो प्रोटेस्ट और वो जो कैंडल मार्च होती है, आप क्या कीजिएगा? मतलब जैसे अब लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा? और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छे वही लोग लगते हैं जो हमारे खिलाफ कैंडल मार्च निकालते हैं। अरे यार, क्या दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, मतलब इनसे बड़ा आदमी, इनसे बड़े आदमी आज तक नहीं देखे। ये अपना पैसा वैसा उजाड़ के इन्हें लगता है इनका कोई साथ देगा। अरे भैया, मीडिया, आज सुबह की बात बताता हूँ, कल ये केस हुआ, सुबह की बात बताता हूँ, 1 घंटा वो कार्यक्रम चलता है, न्यूज चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, फेमस नहीं करना मैंने उन्हें, 1 घंटा वो चैनल चला, उसमें सिर्फ, मतलब मैं हैरान रह गया कि सिर्फ 1.5 मिनट की कवरेज हम लोग को मिली, मतलब 1.5 मिनट 1 घंटे में से। और जहाँ राम मंदिर और ये सब मंदिर मूर्तियां बननी होती हैं, कोई इन्होंने राज की बात खोज ली होती है, कहीं पर इन्हें खजाना मिल जाता है, वो लोग ये पूरे दिन फैलाते हैं। पर इन लोगों से आज पूरे 1 घंटे में सिर्फ 1.5 मिनट की कवरेज हम पर दी गई। अरे लानत है तुम पर जो कैंडल मार्च निकालते हो, तुम्हारे साथ मीडिया ही नहीं है। तुम्हारे साथ मीडिया होता तो हम लोग आज और फेमस हो रहे होते। सिर्फ जो 1.5 मिनट की कवरेज हमें मिल रही है ना 1 घंटे के शो में, उससे ज़्यादा मिलती। अरे मैं नहीं चाहता कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन मेरी खबरें आए, नहीं आती जनाब। और भैया अपना पैसा ये कैंडल मार्च वार्च पर कुछ मत करो खर्च, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, एकदम समझो और सुनो। हाँ जी भैया, चलो और कोई प्रश्न आपका पूछिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। मीडिया वाली बात से तो मैं बिल्कुल 100%
आपसे हामी भरता हूँ, बाकी सब बातें आपकी बहुत अलग हैं। लेकिन बस जाते जाते एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब कभी रुक सकता है, मतलब इसका कभी अंत है या ये अनंत है, मतलब ये सब चलता रहेगा या कभी इस चीज पर लगाम लगेगी? मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस पर लगाम लगे। तो ये सब कब रुकेगा? आपका सवाल अच्छा है, पर इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। साफ सीधी बात, मेरा मानना तो ये है कि जब प्रशासन बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लॉज बन जाएंगे कि हाँ तुमने इतना सा गुनाह किया तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा, तब हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। है कुछ प्रशासन के नियम, लेकिन वो जो लागू नहीं करते वो लोग, पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि जो एक केस हुआ है वन इन अ मिलियन वाला सीन, तो बहुत शांत हो जाते हैं। 2-3 घंटे का गुस्सा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 दिन, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे ज़्यादा कोई प्रशासन सुन के राजी नहीं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों? अरे प्रशासन लॉज वगैरह कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी कोई मज़ा नहीं आता ये सब करने में, लेकिन हम जब देखते हैं ना कि मतलब ये गुनाह हो सकते हैं, तो मन करता है कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस चलिए फटाफट जल्दी निकलिए बस। धन्यवाद बहुत बहुत आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और हाँ जाते जाते जब ये वीडियो अपलोड कर लेंगे तो मुझे इसका लिंक ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, टाटा। तो देख ली वीडियो, हर कुछ ऐसे केस के बाद कोई ना कोई ज़रूर एक वीडियो बनाता है, कोई ना कोई क्या बहुत लोग बनाते हैं, सब देखते हैं पर कुछ कोई करता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली करते हैं कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट एंड मोर ऑफ इट, बट कुछ हो नहीं पाता, इन दी एंड कुछ नहीं हो पाता। और हम लोग जब थोड़े दिन शांत होते हैं 2-3 महीना, तो हमें लगता है कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बट फिर से एक ऐसा केस आता है मतलब जो दिल बहला देता है एकदम, जो कल केस हुआ, क्या कहा जाए उस बात को। मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, आई वॉज रियली पेट्रीफाइड, आई वॉज टेरीफाइड बाय द न्यूज़ दैट आई हर्ड यस्टरडे। सीरियसली यार, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो इट्स नॉट दी सॉल्यूशन कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन कि आप लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इट्स टोटली ओके, बट मोर ऑफ इट यू नीड सम स्ट्रिक्ट डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन, एंड उसमें गवर्नमेंट का साथ, मीडिया का साथ बहुत ज़रूरी है। कोई भी मीडिया जर्नलिस्ट अगर मुझे देख रहा हो, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, जो पॉलिटिशियन हो, जो भी अच्छी रैंक पर हो और जो कुछ करना चाहते हो, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो काइंडली इंश्योर कि हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हों कि हम लोग इस चीज़ से दोबारा गुजरना ना पड़े। दैट्स इट, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को बनाने में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस कैरेक्टर में मैं बैठा हूँ वहाँ पर। तो अगर मेरा कुछ व्यू, मेरा कुछ एम ऐसा होता कि मैं व्यूज़ पाकर कुछ ऐसा होता, तो सीरियसली आई वुड हैव नॉट डिफेम्ड माई सेल्फ, मैं यहाँ पे किसी और कैरेक्टर को बिठाता और उससे वो सब डायलॉग्स बुलवाता जो मैंने खुद बोले। तो कुछ करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी भारी हो रही है, बट सीरियसली इट्स ओके टू, अगर कुछ करना है तो लेट्स होप कि आगे कुछ नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच।